जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ हफ्तों में आपने एक वेब सीरीज के बारे में सुना होगा जो कि एक आईपीएस ऑफिसर की लाइफ और करियर पर बेस्ड है, और पिछले एक दो दिन में आपने एक न्यूज भी सुनी होगी कि किस तरह से उसी आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ कुछ चार्जेस लगाकर एक केस रजिस्टर किया गया है। आज के सेशन में हम इसी इशू के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये इशू है रिलेटेड टू एन आईपीएस ऑफिसर जो कि 1998 बैच के हैं, बिहार काडर के हैं। अपनी पोस्टिंग के दौरान, अपने करियर के अंदर इन्होंने एसपी रहते हुए काफ़ी ऑपरेशंस किए होंगे। उसमें से एक पर्टिकुलर ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है जिसमें उन्होंने एक बड़े नामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। उन्होंने अपने इसी एक्सपीरियंस को अपनी एक बुक के अंदर उतारा था ईयर 2017 के अंदर, और अब ईयर 2022 के अंदर उसी बुक पे बेस्ड एक वेब सीरीज लॉन्च की गई है जिसको काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। अब इस वेब सीरीज के लॉन्च होने के बाद पिछले एक दो दिन में आपने कुछ इस तरह की न्यूज डेफिनेटली पढ़ी होंगी। द हिंदू की अगर बात करें तो वहां पे हेडलाइन है खाकी द बिहार चैप्टर फेम बिहार काडर आईपीएस ऑफिसर बुक्ड। इंडियन एक्सप्रेस की बात करोगे तो बिहार आईपीएस ऑफिसर फेसेस ग्राफ्ट चार्जेस ओवर नेटफ्लिक्स सीरीज खाकी सस्पेंडेड। और इन न्यूज के अंदर जो मेन क्रक्स है, मेन हाईलाइट है, वो क्या लिखा हुआ है, अ केस वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन एंड फॉर एलिजिबली एंटरिंग इनटू अ कमर्शियल एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट टर्म है कमर्शियल एग्रीमेंट विद नेटफ्लिक्स वाइल बीइंग ऑन अ गवर्नमेंट पोस्ट। अब हमें यह समझना जरूरी है कि किन रूल्स का वॉयलेशन हुआ होगा जिसकी वजह से इस तरह का एक्शन हुआ है। हमें नहीं पता कि सच में वॉयलेशन हुआ है क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, सो उसमें हम कमेंट नहीं कर सकते, बट हमें अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एज अ सिटीजन भी पता होना चाहिए और एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट भी पता होना चाहिए, सो डैट कल आपसे किसी भी तरह का वॉयलेशन ना हो। ये चीज जरूरी है रिगार्डिंग अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हो फ्यूचर में, या इस तरह का कोई एग्रीमेंट आपके माइंड में आ रहा है तो उसके पर्टेनिंग रूल्स क्या है आपको पता होने चाहिए। ये सब चीजें आती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 के दायरे में। आईएएस आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है इन कंडक्ट रूल्स के अंडर आती है। बाकी की जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं उनके अलग हैं सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। So, इसमें हम सीधा रूल नंबर 6 पे जाते हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट का है इस इश्यू से रिलेटेड। रूल नंबर 6 क्या है, कनेक्शन विद प्रेस और रेडियो। अब इस रूल में क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड व्हेन द मेंबर ऑफ द सर्विस इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी और अदरवाइज पब्लिशेस अ बुक और पार्टिसिपेट और कॉन्ट्रीब्यूट टू पब्लिक मीडिया। मतलब अगर आप कोई बुक पब्लिश करना चाहते हो या पब्लिक मीडिया के अंदर किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको गवर्नमेंट की सैंक्शन नहीं चाहिए, बट जो आप वहां पे अपने कोई भी व्यूज एक्सप्रेस करोगे, ये कंडीशन लगा रखी है गवर्नमेंट ने कि कोई भी व्यूज आप एक्सप्रेस करोगे तो आप क्लियर करोगे कि ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कि इसको गवर्नमेंट के व्यूज मत माना जाए। So, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सो कल अगर आप एज अ सिविल सर्वेंट बुक पब्लिश करना चाहते हो तो पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, बट उस बुक से जो आपको रॉयल्टी या अर्निंग होगी उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है उसमें अभी हम थोड़ा रुक के आते हैं, पहले आगे एक और इंपॉर्टेंट रूल को डिस्कस कर लेते हैं। ये है रूल नंबर 13। अब ये किससे रिलेटेड है, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, मतलब प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई भी डीलिंग जो है उससे रिलेटेड है। और यहां हम जो रूल डिस्कस कर रहे हैं वो वही रूल डिस्कस कर रहे हैं जो प्रेजेंट इश्यूज से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। इसमें लिखा हुआ है कि नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट की परमिशन लिए बिना आप ये फॉलोइंग पॉइंट्स नहीं कर सकते। पहला क्या है, एंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस। मतलब आप किसी भी तरह के ट्रेड या बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। मतलब गवर्नमेंट मना नहीं कर रही है बट गवर्नमेंट से पहले आपको सैंक्शन लेना होगा। गवर्नमेंट देखेगी कि आप किस तरह का जो ट्रेड या बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ भी करना चाह रहे हो। उसके बाद नेगोशिएटेड फॉर और अंडरटेक एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप किसी भी और एम्प्लॉयमेंट के लिए नेगोशिएट नहीं कर सकते। मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में गवर्नमेंट इस तरह की परमिशन देगी, बट गवर्नमेंट की नॉलेज में होना चाहिए अगर आप इस तरह का कोई भी एक्शन लेने जा रहे हो, सैंक्शन पहले चाहिए गवर्नमेंट की। अब इसके अलावा एक जो इसका सब पार्ट एफ है, क्योंकि बाकी के पार्ट्स अभी हमारे इस इश्यू से रिलेटेड नहीं है, एफ में क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपेट इन और एसोसिएट हिमसेल्फ इन एनी मैनर इन द मेकिंग ऑफ। मतलब
इनमें से जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इनमें से किसी भी तरह की चीज से आपको एसोसिएट नहीं होना है जब इस तरह की कोई चीज बनाई जा रही है परमिशन लिए बिना। अगेन अ स्पॉन्सर्ड मीडिया इंक्लूडिंग रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, मतलब कोई भी स्पॉन्सर्ड मीडिया है, रेडियो प्रोग्राम है, टेलीविजन प्रोग्राम है, अगर वो बनाया जा रहा है आप उसके साथ एसोसिएट नहीं होगे किसी भी तरह से गवर्नमेंट परमिशन के बिना। अ मीडिया प्रोग्राम कमीशन्ड बाय गवर्नमेंट मीडिया बट प्रोड्यूस बाय एन आउटसाइड एजेंसी, अगर कोई मीडिया प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है बट उसकी जो प्रोडक्शन है वो आउटसाइड प्राइवेट एजेंसी की तरफ से है या किसी और एजेंसी की तरफ से है, तो वो भी आप उसमें ऐसे नहीं किसी भी तरह इन्वॉल्व हो सकते। अ प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड रेडियो और टेलीविजन और अदर मीडिया प्रोग्राम इंक्लूडिंग अ वीडियो मैगजीन, मतलब इनमें से किसी भी चीज से आप एसोसिएट नहीं होगे गवर्नमेंट की परमिशन के बिना। अब बात आ जाती है जब आपने मान लो गवर्नमेंट से, जो पीछे हमने चीजें डिस्कस की है, इसकी परमिशन ले ली या आपने कोई बुक पब्लिश कर दी, अब उसके रिगार्डिंग अगर आपने कुछ फीस लेनी है, कुछ कमर्शियल्स लेने हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल है, इसके लिए हमें रेफर करना पड़ेगा रूल 13 का सब पार्ट 4। नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल एक्सेप्ट एनी फी फॉर एनी वर्क डन फॉर एनी पब्लिक बॉडी और एनी प्राइवेट पर्सन विदाउट The sanction of the government, मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना आप किसी भी काम के लिए फीस एक्सेप्ट नहीं करोगे, पहले गवर्नमेंट से परमिशन लोगे। आपने मान लो बुक पब्लिश की, तो बुक जब पब्लिश की उससे पहले क्लियर था कि आप बुक पब्लिश कर सकते हो बिना गवर्नमेंट सैंक्शन के, बट अगर उससे पर्टेनिंग आपने कुछ रॉयल्टी कुछ फीस लेनी है तो गवर्नमेंट की परमिशन पहले जरूरी है। और फीस का यहां मतलब बता दिया कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अलावा से आ रहा है, जिसका सोर्स इनके अलावा है, उसको फीस डिफाइन किया गया। ये वो फंड होता है जहां से आपकी सैलरी वगैरह आती है, सरकारी फंड। और इसी से रिगार्डिंग एक ये डीओपीटी का एक सर्कुलर है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप ये जो बोल्ड में लिखी हुई है चीज, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप कोई लिटरेरी वर्क कर रहे हो, आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हो या साइंटिफिक करेक्टर का वर्क कर रहे हो, तो उससे उसको करने से पहले आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, उसकी पब्लिकेशन से पहले आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, बट उससे पर्टेनिंग अगर आपको कोई फीस लेनी है, एक्सेप्ट करनी है, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, जो अभी हमने डिस्कस किया है। अब एक सप्लीमेंट्री रूल्स भी होते हैं, इसका जो रूल 12 है वो भी आपके मतलब का है इस इश्यू से रिलेटेड। उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है अनलेस द प्रेसिडेंट बाय स्पेशल ऑर्डर और अदरवाइज डायरेक्ट, मतलब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे अगर परमिशन आ जाती है या वो डायरेक्ट करते हैं तो वो एक स्पेशल केस हो सकता है, बट रेस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर आप किसी भी काम से, जो आप अपनी सर्विस के अलावा कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको जो फीस मिल रही है वो इन एक्सेस ऑफ ₹1500 है, पुराना रूल है तो वही अमाउंट चलता रहा है, तो ₹1500 से ज्यादा की अगर आपको फीस मिली है तो उसका जो 1/3 है वो आपको गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब पहले तो आपको परमिशन लेनी होगी काम के लिए, फीस एक्सेप्ट करने के लिए, फिर उसके बाद जो आपको फीस मिलेगी उसका 1/3 सरकार को देना होगा, 2/3 आपके पास आएगा। अब बात एक और आपके दिमाग में आ रही होगी कि अगर आप बुक लिख रहे हो तो उस केस के अंदर क्या उसमें भी आपको 1/3 गवर्नमेंट को देना होगा? नहीं, ये जो आपका ये रूल 13 है इससे पर्टेनिंग भी एक डिसीजन आया हुआ है सरकार की तरफ से, जो कि ये डीओपीटी का सर्कुलर डेटेड 14th अगस्त 2015 है, उसमें क्लियर किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि जो आपके कोई भी आर्टिस्टिक वर्क है, लिटरेरी वर्क है, इनसे रिलेटेड जो आप चीजें कर रहे हो उनसे जो आपको फीस आएगी, जो आपको इनकम आएगी, वो बेसिकली फीस की डेफिनेशन में नहीं आएगी, जो आपको उससे जो भी पैसा मिलेगा वो जो हमने 1/3 वाली पीछे कंडीशन डिस्कस की है उसमें फॉल नहीं करेगी, मतलब वो सारा का सारा पैसा आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड एक कंडीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दे रखी है कि जो आपने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपके उस नॉलेज से रिलेटेड ना हो, उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड ना हो जो कि आपने सर्विस में गेन किया है। मतलब प्रेजेंट केस के अंदर जो बुक है वो कहीं ना कहीं आईपीएस ऑफिसर के करियर से रिलेटेड है कि किस तरह से उन्होंने गैंगस्टर को पकड़ा, तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वो उनकी सर्विस से रिलेटेड है, तो ऐसे केस में आपको 1/3 जो आपकी फीस है
वो सरकार के पास जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो नॉलेज आपकी सर्विस से रिलेटेड है। अगर कोई ऐसी नॉलेज है जो आप अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बता रहे हो, या आप अपनी एजुकेशन जो आपने गेन की है उससे रिलेटेड बता रहे हो, तो वो क्योंकि आपकी सर्विस से रिलेटेड नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको वो 1/3 भी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट नहीं करवाना पड़ेगा। बट अगेन, परमिशन पहले लेनी होगी। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर एग्जैक्टली क्या वॉयलेशन हुई है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो एक टेक्निकल पार्ट है जिस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि इस केस के अंदर क्या इशू है, किन किन रूल्स का वॉयलेशन हो सकता है, किन किन रूल्स को आपको भी कल ध्यान में रखना है अगर आप एक सिविल सर्वेंट बनते हो। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।